तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी छतरपुर। देखिए आज हम अपने ये जो मैथमेटिकली सेट हैं उनमें आप लोग को चूज करना है कि सेम एज रिलेशन किस में किस को है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे इनमें ऑप्शन में कौन सा रिलेशन मैच खा रहा है। देखिए आप लोग सॉल्व करिए, अगर आप लोगों से नहीं बन रहा मैं तो कर ही रहा हूँ। देखिए जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। जैसे उस विकल्प का चयन करें जिसमें सभी सॉरी संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए सेट द्वारा साझा किया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपन लोग का, इसमें क्वेश्चन दिया गया है यानी 5, ठीक है 5 दिया है। ये 36, 36 क्या है, ये 36 है 6 का वर्ग, और ये 343 क्या, 343 से 7 का क्यूब। तो हमें इससे क्या पता चला कि जैसे एक बढ़ाया उसका वर्ग कर दिया, फिर उससे एक बढ़ाया उसका क्यूब कर दिया, तो सेम एज रिलेशन हमें उसमें भी इसमें कर देना है। जोत्रों से देख लेते हैं जो कौन सा मैच खा रहा है, यही रिलेशन ला के। तो देखिए हम ऑप्शन से या मतलब माइंड सेंस लगा के देखते हैं। अगर यहाँ से देखिए ये अपन लोग को पता है 11 का क्यूब ये नहीं होता, तो ये नहीं करेंगे, गलत है। सॉरी 10 का क्यूब ये नहीं होता क्योंकि 9 का वर्ग तो ठीक। अब यहाँ पे सी ऑप्शन सही है क्योंकि देखिए 7 है, 7 से एक बढ़ाया 8 आएगा ना, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64, तो 64 भी लिखा है ठीक है। सॉरी 8 में एक बढ़ाएंगे तो 9 आएगा, 9 का क्यूब करना है अपन लोग को। 739 अच्छे से पता है, सभी को पता होगा। अगर ये ना पता होगा तो SSC की तैयारी करना बेकार है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि देखिए 17, 23 और 35, इनमें कितना रिलेशन है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 12 का, तो एक संख्या चल रही है इसका यानी 2 गुना हो रहा है ठीक है। तो अपन लोग को यही देखना है, अपन लोग को यही देखना है। जैसे अपन लोग सेट निकालते हैं इनमें से 45 पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, 45, 48 और 54। तो देखिए इसमें यहाँ पे 3 बड़ा है और यहाँ पे 6 बड़ा है, तो वही वही क्रम है क्योंकि इसका 2 गुना हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। तो देखिए अपना लोग का पहला आंसर इसका ठीक है, और ये वाली PDF आपको उड़ान अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो रिवीजन के लिए। देखिए इसमें क्या करना है आपको, 6, 6 और देखिए यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, इसमें 6 दिया गया है और 5, और यहाँ पे 206 दे दिया। तो देखिए सॉरी एक मिनट सही से लिख दूँ, देखिए 6 और 5 और यहाँ पे 206, जब आप इसका क्यूब करेंगे ना तो 216 आएगा, और इसका 2 गुना 10, इसके दो क्यूब में से इसका 2 गुना घटा देंगे ना आप, तो इसमें 206 ही आएगा ठीक है। सेम एज यही टर्म आपको फॉलो इनमें भी करनी है। तो देखिए जब आप घटाएंगे ना, तो देखिए जब आप 5 का क्यूब घटाते हैं, 5 का क्यूब यानी 125 होता है, 5 के क्यूब में से 4 का वर्ग सॉरी इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और घटा देंगे, तो यहाँ पे 117 आएगा जो अपना राइट आंसर है, और ऑप्शन भी मिल रहा है। और चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या बोल रहा है, चौथे में यह कह रहा है देखिए जैसे इसमें 6, 7, 50 लिखा है, इसमें आपको कुछ लॉजिक सूझ रहा नहीं सूझ रहा। देखिए इसमें जैसे आपको 6 का वर्ग स्क्वायर कर देना है यानी वर्ग, और इसका 2 गुना, तो यहाँ पे इसका 2 गुना करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो इतना आएगा, तो सेम है जैसे ही टर्म है इसमें फॉलो करनी है। तो देखिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, सो 5 का वर्ग हुआ 25 और ये 45 का वह 2 गुना हुआ 90, इनको ऐड करेंगे तो 115 आएगा यानी 115 है, तो अपना राइट आंसर है ठीक है। और देखिए इसमें आया क्या, 3, 3, 81 और 162 है, इसमें देखिए ये 3 की घात 4 का है ना मान, और ये इसमें 2 गुना किया गया है। सेम है जी इसमें भी देख लीजिए, 4 की घात 4 का मान 256 और इसका 2 गुना 112 है, सॉरी 512 ये ठीक है। और ये इसमें देखिए छठवां अपना, और देखिए हाँ ये है इसका छठवां क्वेश्चन, हाँ देखिए 56 गुणे जब 12 अपन लुक करते हैं, 56 गुणे 12 यानी 672 आएगा, करके देख लेना, मुझे आता है तो मैंने नहीं किया। सेम है जब आप इसमें करेंगे तो ये देखिए, अगर आप इसका करेंगे तो यून डिजिट 1 आएगा, ये हमारा गलत है 1 नहीं है, इसमें 0 आएगा ये भी गलत है, और इसमें 4 1 ये आ सकता है, तो अभी इसको सही रखो, ये नहीं है 6 आएगा, लेकिन 6 का मुझे 16 का इसका याद है ना कि 256 होता है ना कि 326, तो ये सी नंबर का सही आंसर ठीक है। देखिए ये अगला क्या बोल रहा है, 24
देखिए 24 और 76 मतलब इसमें क्या 2496 हुआ, 2496 इसमें देख लेते हैं। देखिए एक मिनट, इससे क्या हो गया, हाँ तो देखिए अब सही से इसमें देखिए ये है इसमें, हाँ कहाँ गया यार, ये क्वेश्चन अपना सातवां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे आपको जैसे ये है 24 को और 76 को जोड़ देना है और उनका रूट ले लेना है, यानी 100 आएगा, 100 का रूट आपने ले लिया तो यानी 10 ही तो आएगा, सेम है जिसमें जोड़ना है। देखिए अगर इनको जोड़ते हैं 81, 81 का रूट 9, यानी पहला आंसर अपना सही है, लेकिन बाकी का चेक करेंगे तो ये देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 61 आएगा, और यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सॉरी 49 आ रहा है, गलत है, और यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कितना 58 आ रहा है, तो अपना पहला पहला आंसर ठीक है। देखते हैं अगला। हाँ ये देखिए यहाँ पे 17, एक मिनट 12, 23 को एक मिनट, इसमें देखिए 4, 5 और 4, 5 और 54 दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसका अगर आप वर्ग ले लेते हैं तो कुछ खास नहीं बनता, 25 और 16 कितना होता है 41, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, 5 और 9 ऐसे एक अधिक 6 का गुणा, 54 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं बन रहा। एक मिनट, हाँ तो देखिए इस तरह अपन लोगों को नहीं करना, इस तरह करना। देखिए इसमें जैसे आपको 6, 4 का क्यूब करेंगे तो आप 64 आएगा, और इसमें 5 का 2 गुना 10 घटा दो, आएगा 54 की नहीं आएगा, आएगा। फिर इसके बाद सेम है जी, यही करना है आपको, जैसे इसमें देख लीजिए 27, 27 माइनस 8, 27 माइनस 8, यानी अपन लोग बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं जो राइट आंसर है, अट्ठी मारो। देखिए इसमें क्या आया, 1, 2, 3, इसका सीधा सा रिलेशन ये है, 1 प्लस 3 करो भागे 2 कर दो तो 2 आएगा, सेम है जिसमें भी कर लेना, ये सही है क्योंकि जब 11 और 33 जुड़ेंगे 44, 44 भागे 2 22, ठीक है। अब आपको इसमें ये करना है, देखिए 3 और 7 को मिला के क्या करना है आप लोग को, 3 और 7 58 बनाना है, तो जब 58 ऐसी ज़्यादा बड़ी संख्या दिख जाए ना तो इसमें वर्ग कर देना इसका और इसका वर्ग, देन ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, सेम है जिसमें भी कर लेना, यहाँ पे 49 और ये तो गलत है क्योंकि 49 इसका ज़्यादा ही हो जाएगा, 9, 4, 13, 3 का वर्ग 9 और ये 2 का वर्ग 4, दोनों का मिलाकर 13 आ जाएगा, ख़त्म। और फिर देख लेना जब इसका हो, आपको देखना, देखिए ये रहने दीजिए, एस डब्ल्यू आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट करिए, नहीं तो अगली क्लास में आप लोग को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा।